हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द ट्रायंगल चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, ध्यान से देखना. लास्ट टू बॉयज प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा, हरी अप. यू ऑल्सो बेटा, गीतांशु आगे आके बैठे. चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल वाई जेड एक्स. ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी इज सिमिलर टू वाई जेड एक्स. दैट मीन्स A corresponds to Y, B corresponds to Z, and C corresponds to X. And the figure is given to you. Figure is A, B, C. And क्योंकि A के corresponding, देखो Y है ना, अब मैं बनाऊंगी भी वैसे ही. Okay? मैं बनाऊंगी भी वैसे ही. तो मेरे पास जो है, मैंने ये figure बनाई और मेरे पास Y और B के कोरस्पॉन्डिंग Z है और X है. इससे मुझे इजी हो जाएगा. ओके, नाउ इट इज गिवन, दिस इज 40, दिस इज 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. इट इज मेंशन हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका सब कुछ क्या, एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल. अब हमने तो एंगल की बात करनी है. अगर एंगल की बात करनी है, मुझे जेड एंगल फाइंड आउट करना है. जेड तभी निकलेगा अगर कौन सा एंगल निकले, कौन सा, देखो बेटा बी, क्योंकि जेड जो है वो बी के कोरस्पॉन्ड है. यही गलती पेपर में होती है, यही मिस्टेक एग्जाम में होती होती है. आदत पड़ा होता है कि मेरे पास जो है B जो है वो Y के कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि X, Y, Z की आदत पड़ी होती है. बट ट्राई टू सी द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया गिवन टू यू, किसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है. तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैं B निकालू. B कैसे निकालू, एंगल सम प्रॉपर्टी से. मुझे ये दो एंगल पता है 110, तो ये कितना हो जाएगा, तो Z भी कितना हो जाएगा, 7. ओके बेटा, क्लियर. हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन ए बी सी डी ई. मेरे पास है ए बी पैरेलल टू डी ई, द लेंथ डी ई मुझे कैलकुलेट करनी है. बाकी सब कुछ दिया हुआ है, 4, 2, 3, एंड आई नीड टू कैलकुलेट बेटा. मेरे पास हो गए डी ई. अब ये साइड तभी निकलेगी अगर सबसे पहले मैं देखूं ट्रायंगल सिमिलर है के नहीं है. और मेरे पास जो है ट्रायंगल सिमिलर में देखूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में आता है, जब क्रॉस हो तो क्या होता है, यानी मुझे पता चल रहा है एंगल दिस इज इक्वल टू दिस और एंगल दिस इज इक्वल टू दिस. एम आई राइट, कौन सा, वैसे तो एंगल एंगल से ही हो गया, तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल होना है ना. तो मेरे पास ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट नहीं बेटा, सिमिलर. सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं. अगर ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, अब यहां से खुद देखा करो, सी सी के कोरस्पॉन्ड है, बी किसके कोरस्पॉन्ड है, डी के, और ए किसके कोरस्पॉन्ड है, ई के. ये लिख लिया करो अपने आप. तो दैट मींस मेरे पास जो है साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल. तो दैट मींस अगर मैं ए बी लिख रही हूं तो नीचे क्या आएगा, डी ई. ओके जी, दैट इज इक्वल टू, अब मेरे पास इधर से बी सी लिख रही हूं तो उधर से क्या आएगा,
सी डी या डी सी, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब देखो ए बी कितनी है 4, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। बी सी कितनी है 2 और सी डी कितनी है 3, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन। चलो मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, दैट इज गिवन टू अस। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा आपकी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है ये। व्हाट दिस क्वेश्चन इज, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, मेरे पास ट्रायंगल दी हुई है एबीसी एंड मेरे पास दिया हुआ डीईएफ। ओके बेटा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एंड ए डी ए बी इज 3 times डी ई। ये जो ए बी साइड है ना वो डी ई का 3 times है। अब उसने क्या कहा है, देन द टू ट्रायंगल्स आर, उसने कहा कि तब दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर सेकंड, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट थर्ड, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर फोर्थ है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। पहले तो मैं सिमिलैरिटी का देखूं, सबसे पहले मैं क्या देखूं, सिमिलर है जो इंफॉर्मेशन दी है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलैरिटी ये 100% है। कॉन्ग्रेंसी में ये होता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो बीच वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। एम आई राइट? यानी बी सी ई एफ के इक्वल या कोई एक साइड, जरूरी नहीं है कि बीच वाली, दो एंगल्स इक्वल हैं तो कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बट मुझे यहां पर ये साइड जो है वो 3 times दिसती है, बराबर तो नहीं ना दी, दैट मींस ये ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सी होगी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन टू यू, टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी एंड एल एम एन 60, 48। If MN is 12, find BC। अब यहां पर ये क्वेश्चन कराने से पहले, मुझे पता आपको आता होगा, ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो क्या चीज याद करनी है मैंने, ध्यान से सुनना। पेरीमीटर पहले क्या, पेरीमीटर दूसरे का, जो रेशियो है वो किसी भी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल, पेरीमीटर आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है मेरे पास प्रक्षेप, तो अगर एरिया की बात हो रही है, अगर एरिया की बात हो रही है तो उनकी साइड्स के स्क्वायर के, एरिया में साइड स्क्वायर लेकिन पेरीमीटर में सीधा साइड। अब पता चला रिजल्ट दोनों में, देखो कोई प्रूफ नहीं याद रखना, बस रिजल्ट याद करना है। पेरीमीटर की रेशियो में साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो, लेकिन एरिया में साइड्स के स्क्वायर, 100% बेसिक के पेपर में, स्टैंडर्ड के पेपर में, इस पर बेस्ड एक पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके हाँ जी, इधर से बेटा पेरीमीटर दिया,
perimeter of this triangle is 60, perimeter of this triangle is 48. अब मैंने perimeter की बात की, यानी 60 over 48. अब देखो इधर 60 लिया ना, तो इसकी साइड ऊपर over 12, ये ऊपर जाएगा 60 over 48 into 12, BC 4, 4 1 the 5 the, BC कितनी आ गई 15. हाँ जी बेटा, अगर फिर AB देनी चाहिए थी ना, कुछ तो दिया होता ना, तभी फायदा था ना. अगर MN दिया है और AB, मैं कह तो रही हूँ कुछ ना कुछ तो रिलेशन, कुछ रेशियो निकाल के हमें वो यूज करेंगे ना. ये नहीं हो सकता कि इधर से ये वाली साइड ले लें जब तक वो सिमिलर नहीं है. मतलब अगर M corresponds to A है, N corresponds to B है, तभी इसकी divided by that ले सकते हो, otherwise नहीं ले सकते. समझ आ गई? हाँ जी बेटा. सिमिलर ट्रेंग फिर नहीं लगा सकते ना, फिर तो बेटा कुछ और दिया होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन दिया होगा ना. दैट इज मेंट ओनली फॉर सिमिलर ट्रेंगल्स, दोनों ही, पेरीमीटर भी एरिया भी. अगर सिमिलर ट्रेंगल्स नहीं है मेंशन, तो यू आर नॉट एबल टू यूज दैट. ओके बेटा, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर मैम एक्चुअली. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे पास हो गए. इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी इट इज गिवन, एंड बेटा इट इज मेंशन देयर ए डी दैट इज 4, बी डी दैट इज 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड इट इज मेंशन देयर डी ई पैरेलल टू बी सी. अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो क्या करेंगे बेटा? बीपीटी थ्योरम लगाएंगे ना. वेरी गुड, बट प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगाती हूं तो दिस ओवर दिस, अगर आप लगाते हो देखो दिस ओवर दिस, बट ये तो मेरी प्रॉब्लम क्रीम, बीच में डी ई और बी सी आई आई है कोई? क्योंकि अगर ये पैरलर है तो आपके दिमाग में बीपीटी थ्योरम आ रही है. बेटा बीपीटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम सिमिलैरिटी. नो नो नो, क्यों लेंगे? कौन सी लग रही? अगर बीपीटी नहीं लग रही तो बड़ा छोटा ले लो. क्या बात है, बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देखो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल ली बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कॉमन, ये एंगल क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्या होगी? व्हाई आई एम यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बिकॉज मुझे एक्स निकालना है बेटा. मुझे क्या निकालना है? और एक्स कौन सी में आ रहा है? बेस में आ रहा है. बीपीटी में बेस मेरे पास नहीं आता, तो मैंने अपने माइंड में कर ली ना, पेपर में शो थोड़ा करनी बेटा. रीजन बीइंग हमने तो एमसीक्यू करना है, मुझे ये पता है अगर लाइन पैरेलल्स हो जाएं तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होगी होगी. मैंने आपको रीजन भी बता दिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो दैट मींस आगे हम क्या करेंगे यहां पर? तो मेरे पास हो गए अब 4 ओवर ये बड़ी ट्रायंगल, ये AD ओवर AB, AB कितना आएगा 6 इक्वल टू x ओवर 12. बात समझ?
AD over AB is equal to DE over BC. AD कितना है? 4. AB 4 plus 2. X over 12. Answer is 8. Okay? हाँ जी बेटा, पूरी कहाँ लिखा है? ये देखो डी बी की जगह पे टू लिखा है, टू यहाँ लिखा है ना, ए डी पे क्या लिखा है? तो ए बी कितनी हो गई? ये तो इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ आई? अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है ना, मार्क कर लो स्टार. स्टार का मतलब नॉट डिफरेंट, मतलब आपको ये चीज गलती हो सकती है पेपर में, कोई वैसा टिपिकल नहीं है ये क्वेश्चन. ओके चलो आगे, चलिए नेक्स्ट. नोट ना करें कुछ, शर्म आनी चाहिए मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 6, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू. अब सबसे पहले देखिए, अगर बी है, बी किसके कॉरस्पॉन्ड कर लिया, मेरे पास हो गए, और यहां पर मुझे कोई फिगर नहीं दी हुई, जस्ट मुझे और मुझे दिया हुआ है ए की वैल्यू पता है ना. अब देखिए मैं फिगर बनाती हूं, ये देखिए डी ई एफ, जितना मेरे पास ए है उतना कितना हो जाएगा, जितना एफ, एफ कितना है, सी कितना हो गया. आप बी कैसे निकालेंगे, एंगल सम, क्लियर हो गया. नेक्स्ट बेटा, दीक्षित इज स्मार्टर देन है ना अदर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल डी, इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड डी इज 90, देन ए पी इंटू सी पी, ए पी इंटू सी पी दैट इज इक्वल टू. अब सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर सेम हाइपोटेन्यूज पे, सेम हाइपोटेन्यूज पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रही हैं, हाँ जी, ये निकालना है इसकी वैल्यू कितनी, यानी एपी इंटू सी पी, ये मुझे कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूं कि कौन सी कॉमन है, सीपी कॉमन आ गया, ट्रायंगल सिमिलर कौन सी हुई, मेरे पास कौन कौन सी आ रही है, सीपी आ रही है साइड, तो बड़ी ट्रायंगल में सीपी नहीं आ रही पूरी, प्रॉब्लम ही ये दक्ष मेरी बात पूरी नहीं होने देता, बीच में ही कट कर देता है. हाँ जी बेटा, लिसन इट केयरफुली, ये 90-90 है, ये दोनों एंगल्स तो क्लियर कट, ऊपर ऊपर वाली ट्रायंगल्स साइड की रेशियो, दैट मींस एपी
अगर इधर से ओवर सीपी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आया मेरा? दैट मींस हमने क्या कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं ना? क्यों? प्रोपोर्शनल होती है ना, ए किसके कोरिस्पोंड है, बी सेम है, बी किसके कोरिस्पोंड है, मैंने तो वही लिया ए पी ओवर सी पी, मैं आपको बताने लगी। अब इससे नहीं बन रहा ना, क्योंकि मेरा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मींस कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ, गड़बड़ी हम कर रहे हैं। मुझे ये साइड्स जरूरी नहीं है कि आनी चाहिए, थर्ड साइड भी तो पड़ी है, मैं उसको भी तो ले सकती हूँ ना। अगर मैंने इधर से यहां पर ही देखिए, मैंने ए पी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेनी थी, डी पी, क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला ए किसके कॉरेस्पॉन्ड है, डी के। यही बार बार मैं आपको समझा रही हूं, बेस कौन सी लें? अगर ए पी लिया है दूसरी साइड पे ट्रायंगल का, डी पी यही आएगा ना, इधर से पहली ट्रायंगल में ए पी था, तो इधर से क्या लूंगी, बी पी, और इधर से तभी आंसर आएगा। मैंने नहीं सुना था जी, ओके जी, मैंने नहीं सुनी आपकी बात बेटा, ये मैंने खुद ही आपको जान मुझ के लिख के बताया, आदत पड़ी होती है, दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस, एम आई राइट? क्रॉसिंग की आदत पड़ी होती है ना। मैं आपको यही कह रही हूं कि जो प्रूफ करना है, आप जब वो क्रॉसिंग वाला लिखते हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा वो आंसर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सिमिलर तो कर दिया पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं आपने सही ली। कैसे नहीं ली? मैंने इतना बताया ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू डी, पी कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी, और बी किसके कॉरेस्पॉन्ड है, सी के। अब मैंने अगर यहां पर इस साइड वाली ट्रायंगल का ए पी लिया, दूसरी वाली ट्रायंगल का लेना था तो डी पी लेना था, मैंने क्या ले दिया, गलत कर दिया ना, तो वहीं से काम खराब हो गया मेरा। ओके क्लियर? तो अगर मैं यहां पर डीपी करती, अब यहां मेरे पास होंगे इसी ट्रायंगल की जो साइड लेनी थी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, क्योंकि ऊपर मैंने ये वाली ट्रायंगल की साइड लिखी है, वो मैंने देखना है ना कौन सी चाहिए, तो मुझे यहां पर बीपी चाहिए तो मैं बीपी लिखूंगी, तो दूसरी सीपी। अब देखो आंसर बन रहा है कि नहीं, ओके क्लियर हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा मेरे पास एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, प्लीज बेटा, इफ टू कॉट्स ए बी and CD intersect each other at P, then triangle PAC similar to triangle PAC. मैंने गलत सी इधर, वेट डी इधर, बी ये आएगा पी ए सी। अब इसमें ना प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो, इसमें एक सर्कल का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर एक सर्कल में ये क्वाड है, ये कहीं पे भी ऐसे एंगल बना रही है, ये कॉर्ड कहीं पे भी एंगल्स बनाती है, तो
तो दीज टू एंगल्स आर नॉट 90 इक्वल. 90 तब होते हैं जब डायामीटर होता है, उसे कहते हैं एंगल इन सेमी सर्कल. किया हुआ है कि नहीं? इसे कहते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट. एंगल इन आपको ये पता होना चाहिए, नाइन्थ में किया ना. एक थ्योरम होती है और डिग्री मेयर, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द सेम सेगमेंट. ओके जी, तो ये सारी याद रखना क्योंकि इस पर बेस्ड पक्का बेटा पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है नाइन्थ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड. अब मेरी बात सुनिए पहले. अगर ये देखूं, ये एंगल इसके इक्वल, यानी ए कोरेस्पॉन्ड टू डी, एंगल वन इज इक्वल टू टू, वाई ट्रायंगल एंगल एंगल से क्या होगी, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई. सी किसके कोरेस्पॉन्ड हो गया, अब ट्रायंगल कौन सी बनेगी. पी ए किसके कोरेस्पॉन्ड है, डी. सी किसके कोरेस्पॉन्ड, पी डी बी. हाँ जी आप बोलो दक्षिता, क्या कह रहे थे बेटा. तो ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड ज्वाइन किया, ये इसके साथ, ये इसके साथ. ओके, जरूरी नहीं है कि कॉर्ड दिखी हो, इनविजिबल कॉर्ड है तो है ना. तो 90 होता तब भी इक्वल होते बेटा, ना भी दी हो आप गिनी, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, कॉर्ड तो बन रही है ना. तो एंगल ये और एंगल ये, एंगल इन सेम सेगमेंट ही है. ओके जी, बिल्कुल सही होगा जी, चिंता क्यों करते हो. क्लियर, चलिए बेटा नेक्स्ट करें. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ इट्स योर होमवर्क. एज द टाइम इज गोइंग टू ओवर, डू रिवाइज दीज क्वेश्चन एंड द रिजल्ट वी हैव डन टूडे. ओके, अच्छा एक रिजल्ट और करवाती हूँ, जस्ट वेट.